नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या बोनस मिलना स्टार्ट हो गया है क्या? तो हाँ, हमें बोनस मिला है और इस बार कितना बोनस मिला है, 13,779 रुपया, जो कि आपको बताए थे कि 13,816 रुपया हाईएस्ट बोनस मिलेगा, लेकिन मिला है 13,779 रुपया। तो अभी इसका माइनस कर देते, 13,779 और 13,816 तो कितना हो गया, 79,80, 21 रुपया इधर से और 16 रुपया इधर से, 21, 26, 37 रुपया कम मिला। पता नहीं 37 रुपया कहाँ से कम मिला, लेकिन कम मिला है, जबकि मिलना चाहिए मुझे था 13,816। और ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 2000 याद कीजिए 2023 में स्ट्राइक हुआ था, दिसंबर महीना में स्ट्राइक हुआ था, 14 दिसंबर को शायद स्ट्राइक था, 14 की 12 दिसंबर को हम स्ट्राइक में गए थे, ठीक है। तो उस वजह से एक दिन स्ट्राइक में थे, यानी कि हमारा जो है LWA हो गया, यानी लीव विदाउट अलाउंस, मतलब हम लीव पर थे लेकिन कोई अलाउंस मुझे नहीं दिया गया उस दिन का। तो उसका जो असर जो है 365 दिन जो होता है उस पर पड़ा, ठीक है, 365 दिन जो होता है एक साल में उस पर पड़ गया। तो 365 दिन में आपको कितना होता है, 60 डेज का बोनस दिया जाता है, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट में 60 डेज का बोनस दिया जाता है। तो क्या हुआ कि हमारा सैलरी शायद उसी में कट गया है, तो ठीक है, तो अभी हमारा जो बोनस मिला है 13,779 रुपया, वो आपको प्रूफ दे भी देंगे। हमारा जो बोनस है कल ही आया था, लेकिन क्या हुआ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बना करके आपको थोड़ा बहुत बताए और मोटिवेट करे। कोई बात नहीं है, बहुत सारे वीडियो अभी यूट्यूब पे चल रहा है, बोनस बोनस दिवाली बोनस, तो हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं दिवाली बोनस के बारे में। और मेरे जो हमारा जो क्वांटाई डिवीजन है, क्वांटाई डिवीजन का जो यूनियन, हमारा जो डिवीजन है, डिवीजन का जो ग्रुप है, उसमें देखते बहुत सारे क्वेश्चनिंग चलते रहता है कि हमारा कम क्यों आया, जैसे 13,816 रुपया आना था तो 13,750 रुपया आया था, ऐसे 13,400 आया या 12,100 आया, क्यों आया क्यों आया, सब क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे जो जो ये सब क्रेडिट करते हैं, सैलरी हुआ, चाहे बोनस हुआ, चाहे एरियर हुआ, चाहे डियरनेस अलाउंस हुआ, जितने भी चीज़ मिलता है, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो जो अकाउंट ब्रांच में जो बैठते हैं हमारे सीनियर लोग होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट ही होते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी सीनियर होते हैं, ठीक है, हेड पोस्ट मास्टर लेवल, सब पोस्ट मास्टर लेवल के होते हैं, ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों का कहना था कि आपने लीव विदाउट अलाउंस लिया होगा, दैट्स वाई आपका ये कटा है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है, अगर आप जो चीज़ ले चुके हैं तो उसमें तो डिपार्टमेंट का कोई गलती नहीं है। जैसे स्ट्राइक में बहुत लोग शामिल था, कुछ लोग स्ट्राइक में शामिल नहीं था, मतलब सामने में बोला था हम स्ट्राइक में हैं, स्ट्राइक में है, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्राइक में नहीं था। हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानते हैं जिसको पूरा बोनस मिला है, जबकि वो बोल रहा था कि हम स्ट्राइक में हैं, स्ट्राइक में वो नहीं था, झूठ बोल रहा था। इस वजह से 13,816 रुपया, ये ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है जो स्ट्राइक में रहेगा और 13,816 रुपया मिल जाएगा, डिपार्टमेंट उसका थोड़े ना है। टेंट में सबके लिए रूल सेम ही है, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर किसी के लिए फेवर हो जाता है, जैसे मान लो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला है तो उसको माफ कर दिया जा सकता है या कम पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो रूल 10 लगा दिया जाता है किसी पे, किसी GDS BPM AVPL पे, तो हो सकता है रूल 10 नहीं लगाया जाए, माफ कर दिया जाता है, ये सब थोड़ा बहुत फेवर चलते रहता है डिपार्टमेंट में, लेकिन रूल सबके लिए समान ही है। अगर किसी को 13,816 रुपया बोनस दिया जा रहा है तो सबको 13,816 रुपया ही मिलेगा, हाँ अगर वो कुछ गलती वलती कर दिया है तो उसके वजह से उसका बोनस में कटौती होता है, ठीक है, डिडक्शन होता है, लेकिन मिलता ही है। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन यही था कि हमारा क्यों कम हो रहा है, तो सबसे बड़ा लॉजिक यही रहता है कि वो कैंडिडेट्स जो है लीव विदाउट अलाउंस पे थे, और साल भर का बात कौन याद रखता है, भूल भी जाता है कि हम कहाँ थे नहीं थे, मतलब कुछ लोग पेड लीव लेते हैं, कुछ लोग अनपेड लीव लेते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि 10 दिन का पेड लीव लेता है और एक्स्ट्रा दिन रह जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी लीव विदाउट अलाउंस लगा देते हैं, मतलब इंस्पेक्टर जो होते हैं लीव विदाउट अलाउंस कर देते हैं, पता जब वो पता करते कि हाँ वो जो GDS छुट्टी पे गया था अभी तक नहीं आया, तो उसमें तो डांट तो लगता ही है, और उस केस में क्या होता है लीव विदाउट अलाउंस भी लगा देता है, जिससे क्या होता है GDS को उतना याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्योंकि बोनस जो है एक साल का मिलता है, ठीक है, जैसे जो जो कैंडिडेट्स
कैंडिडेट्स 2023 1 अप्रैल 2023 को ज्वाइन किया, ठीक है, और अभी चल रहा है मान लो 31 मार्च 2024। तो ये बीच में जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन किया था वही लोग को बोनस मिलेगा, तो एक साल हो जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 में जो ज्वाइन किया और उसके बाद 31 मार्च 2024, इस बीच जो जो ज्वाइन किया, कब छुट्टी लिया, कब क्या हुआ नहीं हुआ, तो उसका एक दिन का भी असर पड़ जाता है बोनस पे। तो हमारा एक दिन का हमको पता है, 14 तारीख को शायद हम स्ट्राइक पे थे और ये हम बात इन्फॉर्म कर दिए थे इंस्पेक्टर ऑफिस में, ठीक है, और जिस वजह से हमारा एक दिन के वजह से मेरा बोनस कटौती हुआ, और कितना रुपया हुआ, 37 रुपीज़ हुआ, जो कि आपको बता ही देंगे, 13,779 रुपया मेरा आया था, 13,779 रुपया, ठीक है, 13,000 एक बार बार का ही हो रहा है, 13,779 रुपया हमारा आया है, ठीक है, ये हमारा बोनस आया 13,779 रुपया, ठीक। तो स्क्रीन तो इधर से दिख नहीं रहा, हम बस कैलकुलेशन कर रहे इधर से, आप मेरा बात का हम जो बात कर रहे हो आप उसको समझिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, होगा तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में लगा भी देंगे स्क्रीन पे कि क्या क्या चीज़ हम लिख रहे थे। 13,779 रुपया मिला इस बार हमें बोनस। पिछले साल जो है 2022 और 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमको 13,816 रुपया मिला था, टोटल बोनस मिला था, क्योंकि उस समय हम ना ही कोई स्ट्राइक पे थे ना ही कोई लीव विदाउट अलाउंस लिए थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2021-22 में हमारा शादी हुआ था 21 जून को, तो हमने 15 दिन का छुट्टी लिया था, तो वो लीव विदाउट अलाउंस था, तो जिसके वजह से हमारा बोनस में कटौती हुआ। उस समय तो लगभग नया ही थे डिपार्टमेंट में, हमें कुछ मालूम ही नहीं था, और डिपार्टमेंट के लोग इतना कुछ बताते भी नहीं है, मतलब वो लोग अपना काम करता है, घर जाता है, फैमिली को टाइम देता है, आप जो पूछेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया वो हो गया, कोई ध्यान नहीं देता, बस ये जो GDS का जो यूनियन बना के रखा है ना पैसा 30 रुपया, वो फालतू का लिया जाता है, बाद बाकी कुछ भी काम नहीं करता है GDS के लिए, कुछ हेल्प मांगो तो टाल देगा, बोलेगा कल पूछो परसों पूछो, तो इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि बार बार काहे पूछेंगे, इसलिए पूछते ही नहीं। हमारे जैसे आदमी इतना साल का 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव बात सब कुछ समझ चुके हैं डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं वो चीज़। हम 2-3 साल हम भी फील किए हैं कि हमें भी बहुत जब मदद की ज़रूरत था तो नहीं मिला, तो हम सोचते हैं आपको वीडियो के थ्रू बता दें। हाँ, वीडियो के थ्रू बताते हैं तो उसमें क्या हमें फ़ायदा होता है, अर्निंग हो जाता है, बाद बाकी जो भी नॉलेज की बात है तो आपको नॉलेज मिल ही जाता है, ठीक है। तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहे। अभी पॉडकास्ट का ज़माना, तो हम सोचते पॉडकास्ट भी लाएँ, लेकिन हमारे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ता है, लोग देख लेता है चला जाता है, सब्सक्राइब ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता है, लगता है दुश्मनी है। GDS को तो वैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, अगर एक GDS आपके सामने वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मान लो 1 लाख ऑडियंस हमारे चैनल पे आया है ना, तो समझो कि उसमें 1-2 हज़ार ही सब्सक्राइब करता है, बाद में कैसे अनसब्सक्राइब किए चला जाता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, बस टैलेंट तो अंदर में है, उभर नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो सब कुछ लाएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, भोकाल मचाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यही एंड कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, नमस्कार, वंदे मातरम।